टू दी अनदर व्लॉग। और मेरा नाम रतन, मेरे चैनल का नाम है व्लॉग्स मैन रतन। आप सबका स्वागत है वृंदावन व्लॉग सीरीज में। तो बेसिकली आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जो हमारे वैष्णो देवी मंदिर के बारे में मैंने बताया था। वैष्णो देवी मंदिर घूमने गए थे तो वहाँ का रिकॉर्ड किया था। अभी मैं आया हूँ लोटस टेम्पल, जो कि उनको कहा जाता है प्रियंकांत जू मंदिर, यहाँ पर आया हुआ। यहाँ से कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद में जाने वाले प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर देखने लायक होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहें। आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने और वृंदावन घूमना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी कुछ दिन ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं जो कि आपको वृंदावन के बारे में पता चले। लग रहा देखो वाह यार। अच्छा फील हो रहा है मेरे को यहाँ पर, मतलब मैं लिखती हूँ अब जैसे पीछे देख रहे, मतलब मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है। अदरवाइज भाई कहते ना कि यहाँ पर आकर आप कृष्ण लीला में खो जाते हो, तो मैं भी खोने लगा हूँ भाई। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आते जा रहा हूँ, अंदर घुसते जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं कृष्ण का ही होते चल रहा हूँ। तो ये प्रतिमाएं देखी थी वो कृष्ण लीला के बचपन से लेकर कंसवत तक की थी, और अब आप जो दिखाने वाला हूँ वो महाभारत के टाइम पे कृष्ण जी ने क्या क्या सारी चीजें करी। ये हमारे पांडव हो गए, हमारे कृष्ण जी, अर्जुन, चार भाई, और ये अपोजिशन पार्टी महाभारत का युद्ध बताया गया। ये गुफा है, ये इन्होंने जब महाभारत में शस्त्र उठाए थे ये उनका वीडियो है। ये वो आप देख रहे होगे आगे, भीष्म पितामह। और ये रहे भीष्म पितामह, जो अभी आपने वीडियोस में देखा होगा वो कृष्ण लीला के बारे में था, मतलब उनके बचपन से लेकर वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, उनके बारे में सारी चीज़ें, उनने कैसे कंस, हामा कंस का वध किया था, उसके बाद में महाभारत में कैसे शामिल हुए,
और बेसन दामा और ये सारी चीज़ें जो भी उनके पूरी लाइफ के बारे में था वो उनकी सारी प्रतिमाएं वगैरह नीचे देखने को मिली हमें। पर अभी ऊपर आते हैं तो अंदर रिकॉर्ड करने नहीं दिया, दूर से जो रिकॉर्ड हुआ वो डाल देता मैं आप देख लेना। फिलहाल अभी आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो चुका मंदिर, उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये वाला ब्लॉग अभी अपन लोग यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं प्रेम मंदिर जा रहा हूँ, यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाला हूँ, तो वो देखने के लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ से चलते हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर का मैं आगे वाले ब्लॉग में बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये है गणेश जी का मंदिर, फाउंटेन्स वगैरह, और ये उनके लीलाओं की फ़ोटो वगैरह, और हाँ ठीक है चलेगा। ये अंदर ऐसी बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं वगैरह थी, यहाँ से जाते हैं बाहर से हमने और हमारे